हेलो दोस्तों, मैं भरत मोचित्रा, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। रोप टाइल्स फिटिंग फुल डिटेल्स पार्ट टू में आप सबका स्वागत है। तो टाइल्स को लेवलिंग हो जाने के बाद जब हम उसको लगाना है, उससे पहले हमें राइट एंगल काट खूणा करना होता है। कुछ इस प्रकार से किया जाता है राइट एंगल काट खूणा। और टेरेस है तो दीवार से हमें डेढ़ इंच छोड़ देना है, क्योंकि जो उसका वाटा लगता है बाद में, अगर पूरी टाइल्स होगी तो वाटा अच्छे से पकड़ में नहीं आता है। तो दीवार से हमें डेढ़ दो इंच जितना आपको वाटा लगाना है, 4 इंच 6 इंच, उसके हिसाब से आपको 1.5 या 2 इंच दीवार से टाइल्स कम लगे, इतना मार्जिन छोड़ के राइट एंगल करना है। हाँ दोस्तों, दीवार से 1.5-2 इंच टाइल्स नहीं लगाना है, क्योंकि उस जगह पे जो वाटा का मसाला होता है उसकी पकड़ होती है। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल। दोस्तों, आपने रोप टाइल्स फिटिंग के वीडियो बहुत देखे होंगे, लेकिन बहुत ही डिटेल से छोटी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि रोप का काम जब करते हैं तो बहुत ही सावधानी रखनी होती है। अगर इसमें कुछ गलतियाँ हो जाती है तो जीवन भर पछताना होता है, क्योंकि रोप टाइल्स का खर्चा कम नहीं आता है। और दूसरा, जब मकान में रोप टाइल्स का काम करेंगे तो दोबारा से पूरा मकान गंदा होता है, परेशान हो जाते हैं, खर्चा तो बहुत ही होता है, और रिपेयरिंग में पूरा घर गंदा होता है तो बहुत दिक्कत आती है काम करने वाले को भी और मकान में रहने वाले को भी। तो पहले से ही क्यों ना अच्छा काम करें, कोई गलती ना करें, ताकि हमें कुछ परेशानी ना हो। किसी भी टाइल्स को लगाने से पहले अच्छी वाली दो दीवार जो हमें सामने से पहले दिखती है, कि हम किसी कोने में खड़े रहते हैं वो सबसे पहले दिखती है, या सबसे लंबी दीवार है तो उस दीवार पे सबसे पहले टाइल्स लगती है। यानी कि जो टुकड़ा वाली टाइल्स होती है वो दूसरी दीवार पे आएगी, और जो पूरी टाइल्स लगेगी वो यहाँ से शुरू होती है। और हर जगह पे सबसे पहले राइट एंगल करना होता है। राइट एंगल करने के बाद इस प्रकार से दोरी से लेवल लिया जाता है हमारे पट्टी के हिसाब से, क्योंकि हमारी पट्टी 7 फुट की होती है या 8 फुट की होती है, तो उस हिसाब से हम इस प्रकार से लेवल ले लेते हैं। लेवल ले लेने के बाद यहाँ पर एक पट्टी को लगा दिया जाता है, और उस पट्टी के सहारे टाइल्स का फिटिंग होता है राइट एंगल एकदम सही से। तो पट्टी और दोरी कर लेना मत भूलना, दोरी पट्टी करके ही टाइल्स लगाओ तो बढ़िया से फिटिंग होती है। हर जगह पे टाइल्स लगाने से पहले हम इस प्रकार से लेवल कर रहे हैं, आप देख रहे हो। और इस टेरेस में, इस रॉफ में पानी की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि बारिश गिर गई थी, तो उसकी वजह से जो रेत का मसाला बना उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो जिस जगह पे हमने पानी का आउटलेट दिया है वहाँ पर कुछ टाइल्स लगाने में हमें दिक्कत भी आती है, तो वहाँ पे हम थोड़ा कोरा सीमेंट डाल के भी लगाते हैं, और पानी वाला सीमेंट भी डालते हैं, जो रेड बोलते हैं वो रेड डाल के लगाते हैं। तो आप देख सकते हो जहाँ पे हमने आउटलेट दिया है वहाँ पे पानी की बहुत मात्रा ज़्यादा है, फिर भी लेवलिंग और जो कुछ भी हम करते हैं वो तो हमें करना ही है। और पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से आउटलेट पे कुछ टाइल्स लगाने में थोड़ी देर लगती है, लेकिन वो टाइल्स का लीकेज का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होता है। ये 16x16 की फुल वाटरप्रूफ बॉडी वाली टाइल्स है, ये अच्छी आती है, इसमें कलोल के जाले नहीं आते हैं।
अगर आप कम रेट की थोड़ी टाइल्स लेते हो तो उसमें कलर ये के जाले, यानी कि उसमें हल्की सी एयर क्रैक आती है जो टाइल्स लग जाने के बाद ही दिखती है। तो अभी फुल बॉडी वाटरप्रूफ गारंटी वाली टाइल्स मिलती है तो उसका इस्तेमाल करना है। और बहुत सारी कंपनी ये बना रही है, ये 12x12 में भी आती है और 16x16 में भी आती है, 18x18 में भी आती है और 24x24 में भी आती है, लेकिन हम 16x16 की इस्तेमाल करते हैं। ये साइज़ बहुत ही परफेक्ट साइज़ है और इसमें 2-3 अपडेट और आया है। अगर आप 16x16 की टाइल्स लगा रहे हो तो उसमें 3-4 mm का आप प्रेशर लगा सकते हो, जैसे हम लगा रहे हैं। इसमें जॉइंट में 3 या 4 mm का हमने ग्राउटिंग छोड़ दिया है, तो आप देख सकते हो 3-4 mm हमने ग्राउटिंग छोड़ के टाइल्स लगाए। दूसरा अपडेट ये आया है कि आप देख सकते हो हम हर टाइल्स को लाइन टू लाइन लगा रहे हैं। इससे बहुत दिनों पहले यानी बहुत महीने पहले हम ब्रेक जॉइंट लगा रहे थे, आप मेरे पिछले वीडियो देख लेना, उसमें ब्रेक जॉइंट लगाया है। तो हम ऐसा सोचते थे कि ब्रेक जॉइंट मजबूत है की तरह से बहुत बढ़िया रहती है, लेकिन उसमें क्या होता था, ब्रेक जॉइंट लगाने पर टाइल्स का बेंडिंग आता था तो टाइल्स टेरेस में बहुत बेंड दिखती थी। तो अब हम लाइन टू लाइन लगा रहे हैं, इसमें बहुत मजबूत है, में कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एक लाइन तो उसमें भी सीधी आती ही थी, तो ग्राउटिंग छोड़ने की वजह से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है वाटर लीकेज और उसमें, क्योंकि दोनों सेम है, लेकिन बेंडिंग में बहुत ही फर्क पड़ता है। आप अगर लाइन टू लाइन टाइल्स लगाते हो तो बेंडिंग होगा, तो एक जैसा बेंडिंग होगा तो मिल जाता है, लुक वाइज दिखने में बहुत ही बढ़िया टेरेस दिखता है। तो अब से अगर आप काम करते हो तो लाइन टू लाइन ही करो, क्योंकि ये टाइल्स में लाइन टू लाइन बिट जाता है। पहले लाइन कट लगाने का एक कारण ये भी हुआ करता था कि 12x12 की टाइल्स आती थी, वो हर टाइल्स की पेटी में उसका माप 2-3-4 mm तक अलग अलग आता था, एक माप की टाइल्स नहीं आती थी, उसकी वजह से लाइन टू लाइन लगाने में बहुत दिक्कत होती थी और 4 कोने मिलते नहीं थे। तो अभी ये सारे प्रॉब्लम निकल गए और 16x16 की टाइल्स में तो इतना बढ़िया टाइल्स आती है कि हर कोना मिल जाता है, 4 कोने एकदम सही से चलते हैं, राइट एंगल बहुत ही बढ़िया रहती है। तो आपको लाइन टू लाइन ही लगाना है, लाइन टू लाइन में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। टाइल्स में 4 mm के ग्राउट छोड़ा कीजिए, बढ़िया होता है। 4 mm के ग्राउट लगाने के बाद ही टाइल्स लगानी है, 4 mm के स्प्रेसर लगाने हैं, 4 mm की गैप छोड़ने के लिए। और दूसरा, टाइल्स जब लगाते हैं तो उसमें सीमेंट का पानी ज़्यादा डाला कीजिए और इसमें खांचे ज़रूर लगाया कीजिए। आप देख सकते हो हम हर टाइल्स में खांचे लगाते हैं, तो टाइल्स में खांचे लगाने का कारण क्या है, ये काम क्या करते हैं, टाइल्स में जो खांचे लगाते हैं वो टाइल्स को बड़ी मजबूती से पकड़ के रखते हैं, और जितना गहराई तक वो खांचे होंगे और उसमें जितना ज़्यादा पानी डालोगे सीमेंट का, वो उतना मजबूती ज़्यादा पकड़ता है। और जब धूप होती है, टाइल्स गर्म होती है, तो जो टाइल्स ऊपर आ जाती है वो ये खांचे लगाए होंगे तो कभी ऊपर नहीं आती है। तो इसको हो सके उतने डीप लगाने हैं और इसमें सीमेंट का पानी भरना है। तो ये एक खिले का काम करती है, जैसे हम दीवार में खिला लगाते हैं इस प्रकार से वो मसाले में एक खिले की तरह घुस जाता है और बहुत ही बढ़िया मजबूती मिलता है। तो जब भी टाइल्स लगाते हैं तो टाइल्स के मसाले में खांचा मार के उसमें सीमेंट का पानी, यानी कि रेड जो भी बोलते हो, हमारे यहाँ डूघा बोलते हैं, उसको भर दिया कीजिए। आप देख सकते हो हम खांचा लगा के उसमें सीमेंट का पानी भर रहे हैं। तो इस प्रकार से खांचा मारने पर बहुत ही बढ़िया मजबूती मिलती है, खांचा किले का काम करते हैं।
जो हम प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रीयूज होता है, वैसे ही इस्तेमाल करोगे तो इसकी लाइन बिगड़ जाती है, चार कोने नहीं मिलते हैं। तो चार कोने मिले और सही से नए जैसे इस्तेमाल करने के लिए इसे HCl एसिड में धोया जाता है। और आप देख सकते हो हमने इस एक तगारे में HCl एसिड डाल के धोया है। HCl एसिड का लोहा और सीमेंट दोनों दुश्मन है, हमने लोहे के तबासरे में ही डाला है, तो तबासरा भी एकदम साफ हो जाएगा, उसका काट भी निकल जाता है और सीमेंट भी निकल जाता है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से धोया जाता है। जब ये धोया जाता है तब इसमें बहुत गर्मी पकड़ता है क्योंकि इसका एक प्रोसेस होता है उसकी वजह से, लेकिन कुछ देर के बाद ये इतना गर्म नहीं रहता है। तो इस प्रकार से उसे बाहर कुछ देर के बाद निकाल सकते हैं और पानी में धो के इसका रीयूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमने इसको निकाल लिया है, निकालने के बाद अच्छे से अब पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब भी HCl एसिड का इस्तेमाल किया जाए तो गलती से भी आपकी आँख में ना गिरे, शरीर के बाकी हिस्सों में HCl एसिड का कोई नुकसान नहीं होता है। अगर कुछ जगह पे आपको लगा है तो थोड़ा तम तम होता है, उसको क्या बोलते हैं मालूम नहीं, थोड़ा झिनझिनाहट होती है अगर लगा हुआ हो वहाँ पे HCl छू जाता है तो, और आँख में गिरता है तो आँख में बहुत भारी नुकसान होता है। बाकी आप HCl एसिड को किसी भी जगह पे हाथ से छू सकते हो, आपको कुछ नहीं होगा, HCl से आप छू सकते हो। दूसरा, HCl एसिड को एक रुमाल मुंह पे बांध के ही काम किया करो, उसको हमारे श्वास में नहीं लेना है, वो हमारे सलाम फेफड़ों को बहुत भारी नुकसान कर सकता है। तो हमारे सांस के अंदर HCl एसिड ना है उतना मुंह को दूर रखना है और मुंह पे एक रुमाल बांध लेना है। बहुत सारे लोगों को कुछ नहीं होता है, लेकिन जिसको एसिड की एलर्जी होगी वो HCl एसिड की बदबू से उल्टी तक कर देते हैं। तो ये HCl एसिड बहुत ही खतरनाक एसिड है, छूने पर कुछ नहीं होता है लेकिन आँख और श्वास में जाने पर बहुत भारी मात्रा में अपने को नुकसान कर सकता है। तो आँख और श्वास में नहीं जाने देना है, बाकी कोई खतरा नहीं है। फिर भी सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, और HCl एसिड को हो सके तो प्लास्टिक के बर्तन में ही रिमूव किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। प्लास्टिक के बर्तन में ही हमारे प्रेशर को धोया जाए, अगर प्लास्टिक का बर्तन नहीं है तो ही लोहे का इस्तेमाल करें। इस प्रकार से नए जैसे बनाए जाते हैं प्रेशर। लगाने में जहाँ पर भी क्रैक वाली टाइल्स दिखती है या टूटी हुई टाइल्स लगती है तो उसे उसी दिन बदल देना है, तो बड़ी आसानी होती है, बाद में बदलने पे थोड़ी दिक्कत होती है। तो उसी दिन क्रैक वाली सभी टाइल्स बदल देनी है, ना बदलो तो कुछ होता नहीं है लेकिन लुक वाइज खराब दिखता है। तो इसके बाद में हम देखने वाले हैं इसका वाटा किस प्रकार से सही तरीके से लगाया जाता है और इसके जॉइंट किस प्रकार से पूरे जाते हैं। तो पार्ट 3 और 4 में हम शायद ये देखने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे अच्छे सच्चे और डिटेल्स वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करो। और लाइक तो बनता ही है दोस्तों, इतनी मेहनत करने पर अगर आप लाइक दोगे तो मुझे काम करने में थोड़ी ज़्यादा हिम्मत मिल जाएगी।